बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े की अफ़गानी ग्रेवी, जो हम चिकन के साथ बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मेथड में आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसे सिंपल तरीके से घर में बना सकते हैं। बहुत स्पेशल ग्रेवी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्विकली इसे बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत कम अज़ा चाहिए होते हैं हमें अफ़गानी ग्रेवी के लिए, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 kg चिकन है, लेग वाला पीस है, इसको मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अगर आपके पास बड़े पीसेस मौजूद हैं तो इनको कट्स लगा लें। 1 teaspoon मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 teaspoon ही वाइट पेपर है। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक से ही काम चला सकते हैं। 1/2 teaspoon गरम मसाला है, 1/2 teaspoon कसूरी मेथी है जो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। 1 teaspoon मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है। नमक है मेरे पास हसबे जायका, या आप 1 teaspoon ले सकते हैं। थोड़े से हरे मसाले हैं हमारे पास, एक प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे। 2 inch का टुकड़ा मेरे पास यहाँ पर अदरक है, इसको मैंने काट लिया है। एक हमारे पास लहसुन था, इसको छील लिया हमने। 6 अदद बड़ी बड़ी मोटी हरी मिर्चें थी, इनको हमने काट लिया है। धनिए की एक मुट्ठी है मेरे पास, हरे धनिए की स्टैम्प्स भी हमने इसके साथ ही लिए हैं। 2 लीमू हैं यहाँ पर मेरे पास, 1 प्याली दही और 1/2 प्याली बलाई की है, फ्रेश मिल्क से ली हुई ये बलाई है। आप चाहें तो आप डिब्बे वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों अज़ा को मैं एक साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लूँगी। अब बारी हमारी चिकन को मैरिनेट करने की, तो बारी बारी हम तमाम स्पाइसेस इसके ऊपर डालते जाएंगे। ग्राइंडर जार में मैंने तमाम हरे मसाले डाल दिए हैं और इनको हमने पीस लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे, तो इस तरह से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट तैयार हो चुका है तो हम इसको भी चिकन के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब बलाई और दही को 1 मिनट के लिए चलाएँगे और इसका पेस्ट भी हम चिकन पर लगाकर चिकन को मैरिनेट करेंगे। नींबू का रस हम निकाल लेंगे, वो भी चिकन की मैरिनेट के लिए जाएगा। बलाई मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। 2 लेमन लिए थे हमने, इसका जूस निकाल लिया है। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है तो चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। 1/2 कप यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब बारी बारी हम चिकन पीसेस को उठाते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। चिकन पीसेस मैंने डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल के अंदर, देखिए कितनी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही है इनकी। तो बारी बारी तमाम चिकन पीस को हम इसी तरह से रख लेंगे और दो मिनट के लिए इनको सेक लेंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारा चिकन पीस जो है वो एक साइड से ब्राउन हो चुका है। तो तमाम पीसेस को हमने ब्राउन कर लिया है। 2 से 4 मिनट भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आपने इन्हें ब्राउन कलर दे लेना है। तमाम पीसेस दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं तो अब बारी है हमारी इनको ग्रेवी डालकर पकाने की। बचा हुआ दही हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे और इसको ग्रेवी में ही पकने देंगे। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे और इसके पकने का वेट करेंगे। इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है तो ऑयल आपने बहुत कम डालना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर दे दिया था और अब एक दफ़ा से इसको चलाएंगे चम्मच को और दोबारा से हम इसे कवर कर देंगे। ग्रेवी के अंदर ही हमने इसके पकने देना है। देखें कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है, 4 मिनट के लिए हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। तो हमारी जो अफ़गानी ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। 4 कौली हैं, मैंने इनको अच्छे से रेड कर लिया है और इस पर थोड़ा सा घी डाला है और इसको हमने अगेन कवर कर दिया है। स्मोकी फ्लेवर बहुत ज़रूरी है, इस तरह से आप भी इसको स्मोकी फ्लेवर ज़रूर दें। 6 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे और 6 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी अफ़गानी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। बहुत कम मसालों से हमने इसे रेडी किया है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।